हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और मैं आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियूस वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं भुवनेश्वर से आंध्र प्रदेश गई थी मार्कापुर में। वहाँ का खाना पीना सब मैं आप लोगों के साथ, घूमना सब शेयर करूँगी। मैं जो जो वहाँ पर की थी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। जब हम जा रहे थे, ये पहली सुबह थी हमारा ट्रेन में, और आप लोग देख सकते हैं साइड का व्यू भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, रास्ते का मतलब जो साइड में चल रहा था उसका व्यू भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आप लोग ज़रा एंजॉय कीजिए उसको, वो सीन को। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने बैठे थे। हम लोग अपने साथ थोड़ा सा स्नैक लेके गए थे, उसको हम खा रहे थे और बातचीत भी चल रही थी। हमारे दोस्त सब थे, हम लोगों में बातचीत भी चल रही थी और हम फिर हम लोग वहाँ पर स्टेशन में उतर के हम लोग पानी लेने गए थे। हम लोगों के पास पानी जो था वो सब ख़त्म होने लगा था, तो हम लोग पानी ख़रीदने नीचे गए थे। तो पानी ख़रीद के हम लोग फिर ट्रेन में वापस आ गए और वहाँ पर थोड़ा सा मतलब बहुत सारा स्नैक्स मिला था, जैसे कि इडली सांभर मिला था, सांभर नहीं चटनी मिल रहा था और उसके साथ ही वड़ा भी मिल रहा था, समोसा मिल रहा था। तो हमने समोसा ख़रीद लिया ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि स्नैक्स थोड़ा बहुत ही था हम लोगों के पास, इसलिए हम लोगों ने समोसा ख़रीद लिया। और मेरे पास मेरी दोस्त भी थी, उसका नाम है सायंग, और हम लोग दोनों साथ में मिलके समोसा खा रहे थे और इसके साथ एक पॉपकॉर्न भी ले लिए थे। और वो समोसा बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मतलब उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था वो समोसा। फिर भी मैंने थोड़ा सा उसमें से चख लिया और मेरे दोस्त को तो बहुत पसंद आया लेकिन मुझे नहीं पसंद आया था। और भी मेरी एक दोस्त थी, रुचि थी वो, और वो बहुत शर्मा रही थी कैमरा के सामने आने के लिए, तो उसका थोड़ा सा ही मैंने क्लिप ले लिया।
फिर हम लोग जाके ओंगल में पहुंच गए थे और वहां से हमको बस पकड़ना था मार्कापुर के लिए। और वहां से पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा लंच करना चाहते थे, लेकिन हल्का फुल्का लंच करना चाहते थे, इसीलिए वहां पर एक पास में ही शॉप था जहां पर उन लोगों ने पूरी के साथ एक आलू की भाजी देते थे। और हम लोग वहां पर जाके पहुँच गए वो खाने वो मतलब वो पूरी भाजी खाने के लिए। और वहाँ पर बैठ के थोड़ा सा आराम करके हम लोगों ने फिर बस पकड़ लिया मार्कापुर के लिए। और बस में हम लोगों के लिए थोड़ा देर के लिए वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। ओंगल से हम लोग ने बस पकड़ लिया मार्कापुर के लिए और वहाँ पर जाके पहुँच गए। और बस में जो थोड़ा बहुत मैं जो जर्नी था मैं उसको भी थोड़ा बहुत शूटिंग करके लाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप लोग एंजॉय कीजिए वो सीन सब। मार्कापुर में पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 5:30 हो गया था। फिर हम लोग हमारा होटल में चले गए और वहां पर जाके फ्रेश होके हम लोगों ने थोड़ा खाना पीना करने के लिए मार्केट गए। मैं और मेरी दोस्त गए थे और हम लोगों ने वहां पर देखा गोलगप्पा मिल रहा था और हम लोगों को तो गोलगप्पा बहुत पसंद था, तो हम लोगों ने गोलगप्पा खाने के लिए वहां पर चले गए। और वहां का गोलगप्पा थोड़ा डिफरेंट था, मतलब ओडिशा के गोलगप्पे से वहां का गोलगप्पा थोड़ा डिफरेंट था, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। और हम लोग लगभग जितना दिन वहां पर रुके थे हम लोग गोलगप्पा खाते थे। आप लोगों को मेरा ये खाने वाला गोलगप्पा खाने वाला वीडियो देख के तो पता चल गया होगा कि मैं वहाँ का गोलगप्पा मुझे कितना पसंद था। एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद था, ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड टेस्ट था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इसीलिए लगभग रोज़ मैं वहाँ पर गोलगप्पा खाती थी और मुझे बहुत पसंद आता था। और उसके साथ वहाँ पर बिरयानी भी बहुत अच्छा था, लेकिन बिरयानी का जो वीडियो है मैं वो शूटिंग नहीं कर पाई। मुझे बिरयानी नहीं पसंद है, मेरे दोस्त को बिरयानी बहुत पसंद था, वो भी बहुत टाइम वहाँ पर बिरयानी खाती रहती थी, लेकिन मैं वहाँ का वीडियो नहीं कर पाई। और सुबह सुबह वहाँ पर बहुत अच्छा नाश्ता मिलता था, हम लोग जो होटल में रुके थे उसी के नीचे मतलब थोड़ा आगे जाकर वहाँ पर हमको बहुत अच्छा नाश्ता भी मिलता था, पूरी भाजी पूरी चटनी और वड़ा इडली सांभर सब मिलता था। वहाँ का भी मैंने थोड़ा सा शूटिंग कर लिया है, आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा इसको देख के, आप लोग ज़रा एंजॉय कीजिए। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, वो हमारा लैंग्वेज नहीं समझ सकती थी, लेकिन फिर भी वो उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और हम लोगों को अच्छा अच्छा नाश्ता दिया। और प्राइस भी बहुत ही रिजनेबल था ब्रेकफास्ट के लिए, बहुत अच्छा था वहाँ पर। और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। तो
और वहाँ पर प्लेन डोसा भी बन रहा था, डोसा के साथ उन लोगों ने चटनी भी दी थी। हम लोग ने लाया था लेकिन उसका वीडियो मेरे पास नहीं है, सिर्फ वो जब डोसा बना रही थी तब मैंने एक छोटा सा वीडियो बना लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने डोसा बनाया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, क्रिस्प था, और वड़ा सब टेस्टी था उन लोगों का। और फिर हम लोग ये पैक करा के हमारे रूम में ले आए और उसको मतलब ब्रेकफास्ट करने लगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था वो। फिर हम लोग शाम में वहाँ पर एक अयप्पा स्वामी टेम्पल था जो हम लोग घूमने गए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर घूम के, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था वो मंदिर शाम के टाइम में। वहाँ पर उन लोगों का आरती चल रहा था, आरती के टाइम हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे, और वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रेंडली टाइप के लोग थे वहाँ पर। हम लोगों को उन्होंने उनका मंदिर घुमाया था, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर घूम के। आप लोग वो मंदिर का कुछ क्लिप्स जो मैं वहाँ पर शूटिंग करके लाई थी आप लोग देख लीजिए, और आप लोगों को आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। अयप्पा स्वामी के अलावा वहाँ पर और भी मंदिर था, लेकिन मैं वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए गई थी तो ज़्यादा देर मैं वहाँ पर घूम नहीं सकती थी। मैं मुझसे जितना हो सका मैं आप लोगों के लिए वहाँ पर घूम के शूटिंग करके लेके आई हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी कोशिश करूँगी कि पूरा वो जो सिटी था उसको कवर अप करने के लिए, और देखते हैं क्या होता है। आज मैं मतलब अब जो मैं शूटिंग करके लाई हूँ आप उसी को देख के एंजॉय कीजिए। फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए
और हम लोगों को वहाँ पर जाके एक नया चीज़ देखने को मिला, वो था एक डोसा, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। तो हम लोगों ने उसको ट्राई किया। आप लोग देख सकते हैं अभी वो एक डोसा बना रहे हैं और आप लोग ये क्लिप भी एंजॉय कीजिए। फिर एग्ज़ाम से आते वक्त एक दिन हम लोगों को यहाँ वहाँ पर ऐसा कलरफुल मुर्गियाँ भी दिखी थी, जो कि वहाँ पर रोड में सबका, मतलब सबका वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था उनको देख के। और वहाँ पर तो हर जगह फूल मिलता था, वहाँ पर औरतें सब मतलब फूल, बालों में फूल लगा कर, गजरा लगा कर घूमते थे, लेकिन वो बहुत अच्छा प्रिटी लग रहा था सबको। और हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत लेके ट्राई भी किया था उनका गजरा, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पर और एक बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ मिल रहा था, जो कि था एक मंचूरियन, और वो बहुत ही अच्छा था। 30 रुपये में नहीं, 35 रुपीज़ था शायद, और इतना सारा क्वांटिटी रहता था, दो लोग तो आराम से खा लेंगे उसको। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो मंचूरियन। आप लोग अभी ये मंचूरियन कैसे बनाते थे उसको ज़रा एंजॉय कीजिए। मंचूरियन तो आप लोगों ने देख ही लिया। फिर हम दोनों दोस्त मिलके शाम को फिर निकल रहे थे, मतलब कुछ स्नैक्स वैक्स खाने के लिए निकले थे। और वहाँ पर हम लोगों को एक दुकान दिखा जिसका नाम था चाट पुच का। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स का सब चाट, बर्गर, पिज़्ज़ा सब अवेलेबल था। तो हम लोगों ने वहाँ पर ऑर्डर किया था तंदूरी मैगी, और उसके साथ हमने समोसा चाट ऑर्डर किया था, और एक आइसक्रीम सॉन्डे ऑर्डर किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और वहाँ के स्टाफ इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने हमको उनका किचन विजिट करने के लिए भी दिया, उन्होंने शूटिंग करने के लिए भी अलाउ किया, तो मैंने वहाँ से शूटिंग कर लिया था। और आप लोग इसका अभी देख रहे हैं, मतलब उसका जो सिटिंग एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोगों को वहाँ पर टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग थे, और वहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और उसके साथ ही वो खाना टेस्टी होने के साथ साथ रीज़नेबल भी था, पॉकेट फ्रेंडली भी था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके उनका समोसा चाट, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, जो कि अभी आप लोग देख रहे होंगे समोसा चाट में। अब आप लोगों के साथ उनका जो प्रोसेस था, बनाने का प्रोसेस था, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख सकते होंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी था, सिंपल था लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी था, स्पाइसी नहीं था, टेस्टी था।
फिर उन्होंने हमारे सामने ही आइसक्रीम संडे बनाया जिसमें 3 फ्लेवर थे। उन्होंने एक स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर दिया था और एक वनीला और एक पिस्ता, और उसके ऊपर ढेर सारा टूटी फ्रूटी, चॉकलेट सिरप, स्ट्रॉबेरी सिरप, ये सब दे के उन्होंने इसको बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और उसके बाद में हम लोगों ने तंदूरी मैगी भी ऑर्डर किया था जो कि अभी आगे आप लोग देख सकते होंगे उसका प्रोसेस। अभी आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पर उन्होंने तंदूरी मैगी बनाया जिसमें बहुत सारा वेजिटेबल उन्होंने ऐड किया था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उन्होंने तंदूरी मैगी उसमें कुछ तंदूरी सॉस ऐड करके बनाया था, जैसे मुझे जैसे पता है तंदूरी मैगी बनता है मटके में, लेकिन उन्होंने उसका नहीं बनाया था, उसमें सिर्फ तंदूरी सॉस ऐड करके बनाया था, लेकिन ट्रस्ट में वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और उसके साथ हेल्दी भी था और बहुत अच्छा लगा उसको खा के। और उन लोगों के स्टाफ को भी थैंक यू मेरे तरफ से, क्योंकि उन लोग बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उनके साथ वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जाके खा पी के बहुत अच्छा लगा। और इतना दिन वहाँ पर एंजॉय करने के बाद आ गया था अभी टाइम में वापस घर आ जाऊँ, तो मैंने ट्रेन में फिर से हम लोग आ गए थे और मैं ट्रेन में मतलब लंच के टाइम में मैंने डोमिनोज से ऑर्डर कर लिया था चिकन पार्सल और एक चिकन पिज़्ज़ा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाने में, इसलिए मैं ट्रेन में जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं डोमिनोज से ऑर्डर कर लेती हूँ खाने का चीज़। जब मतलब हम लोग मार्कापुर के लिए ट्रैवल कर रहे थे पहले दिन, जो भुवनेश्वर से गए थे, उस दिन भी मैंने रात को डिनर डोमिनोज़ किया था लेकिन शूटिंग करना भूल गई थी, लेकिन आते वक्त मुझे याद पड़ गया और मैं डोमिनोज़ का जब खा रही थी पिज़्ज़ा तब मैं शूटिंग कर ली थी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था डोमिनोज़ का और मुझे बहुत अच्छा लगा डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा विज़ा खा के। और फिर अभी टाइम हो गया था मैं घर को वापस आ जाऊँ। और आई होप आप लोगों को मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।